बड़े सब समझे रविदार रहे पर्सन, राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की कोई परेशानी ना हो। आज ने की है महाराज की, उस राज को उन्होंने नाम दिया है बेगमपुरा राज। हमारी शक्ति है, आज समाज अपनी शक्ति खो बैठा है, वो अपने आप को कमजोर समझ बैठा है। सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि रविदास जन्म के कारण खुद ना कोई नीच और नर को नीच बनाए है ओछे क्रम की प्री। नंगे सर पंडा लेना है क्योंकि यहाँ पर पहले आपसे आग्रह करूंगा कि जिनके सर अभी भी नहीं ढके गए हैं वो किसी भी वस्त्र से अपने सर ढक लें, क्योंकि जब आप दरबार साहिब में होते हैं तो उसकी मर्यादा का पालन करना भी आपकी हमारी जिम्मेदारी है, और अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा जिनके सर भी बिना ढके हैं वो अपने सर ढक लें। गेट पर रुमाल रखें, गेट पर बहुत सारे रुमाल रखे हुए हैं सर ढकने के लिए, जल्दी से जाकर ढक लें इस, क्योंकि ये हमारा गुरु घर है तो इसकी मर्यादा रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हम अपने गुरु घर की महापुरुषों के विचार की पहरेदारी नहीं करेंगे, उसकी मर्यादा का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं भेंट करता हूं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनपे इतिहास होता है, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि हमारा इतिहास दुनिया में अमर है, दुनिया में अजर है, और 650 साल पहले हमारे इतिहास में जो भी दुनिया में विचार आए हैं वो आज तक भी उनके जैसा विचार नहीं आया है। 600 साल पहले सतगुरु महाराज ये कह गए गए हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु मन और छोटे बड़े सब समझे रविदार रहे पर्सन, राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की कोई परेशानी ना हो, जहां कोई किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां कोई हत्या कोई जुर्म जाति दादागिरी ना हो, जहां सब लोग खुशहाल हो, ऐसा राज होना चाहिए पूरी दुनिया में। अगर नहीं जानते आप जान लो, यूएनओ के चार्टर में लिखा गया है कि अगर दुनिया में सबसे अच्छे राज की कल्पना किसने की है तो वो सतगुरु रविदास जी महाराज ने की है। महाराज की, उस राज को उन्होंने नाम दिया है बेगमपुरा राज। बेगमपुरा का मतलब होता है जहां कोई गम ना हो। आज इस दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में गम है, और तब तक इस जीवन में गम खत्म नहीं होगा जब तक इस देश में बेगमपुरा राज नहीं आएगा। हम सब लोगों को मिलकर हमारी जिम्मेदारी बैठती है कि हम बेगमपुरा राज को लाने के लिए दिन रात मेहनत करें और बेगमपुरा स्थापित करें। बेगमपुरा वही राज है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति बराबर है, हर व्यक्ति सम्मान रखता है, हर व्यक्ति तरक्की कर सकता है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आज आपने मुझे यहां बुलाया है क्योंकि मैं मर्यादा को समझता हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि मैं तो स्कूल में पैदा हुआ हूं, मैं तो अपने खून का एक कतरा लगा के अपनी मर्यादा को सींचने का काम करता हूं। मैं तो वो शख्स हूं, जब दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज का हमारा गुरु घर तोड़ दिया गया तो हम 96 लोग 66 दिन तक जेल में रहे, हमने लाठियां खाई, हमने जुल्म सहा, हमने अत्याचार सहा, और ये पहली बार हुआ कि केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों झुके और हमारी वो पवित्र जमीन हमें वापस की। ये हमारा बल है, ये हमारी शक्ति है।
आज समाज अपनी शक्ति खो बैठा है, वो अपने आप को कमजोर समझ बैठा है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि रविदास जन्म के कारण खोद न को नीच और नर को नीच बनाए है ओछे क्रम की प्रीत। सतगुरु रविदास महाराज जी की। अब आप ये समझिए, इस वाणी में सतगुरु जी ने कहा है कि जन्म के कारण कोई नीच नहीं होता है, नीच आदमी कर्मों से होता है। हम वो लोग हैं जो मेहनत कश लोग हैं और बहुत लोगों का पेट पालते हैं, लेकिन हमें जाति के आधार पर नीचा बता के हमें अपमानित किया जाता है और हम भी अपने आप को छोटा मान के जाति के आधार पर डरे रहते हैं। हम सुरमाओं के औलादे हैं, इस देश में हमारा राजकाज रहा है। जाओ अपने इतिहास को पढ़ो और अपने राजकाज को वापस ले लो। ऐ मेरे वीडियो दाओ, इतिहास को पढ़ो, आपके बिना इस देश का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ये देश है तो इस देश के मूल निवासी, इस देश के उन महान संतों गुरुओं की देन है जिनके बलिदान पे देश टिका है। कह रविदास खलास चमारो, जो हम शहरी से ईद हमारा। और जब तक हम डरे रहेंगे, जब तक हम दबे रहेंगे, तब तक हम पे जुर्म जाति होती रहेगी। इन जुर्म जाति की बेड़ियों को काटना है तो सीना तान के चलना सीखो, अपने मान सम्मान की रक्षा करना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक आग्रह आपसे जरूर करूंगा, हर कोई अपने त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाता, आपका दिल देख के तो ये आयोजन मेरा दिल खुश हो गया, लेकिन मेरा एक आग्रह आपसे और है। मेरा ये मानना है कि अपने बाप को बाप नहीं कहोगे, किसी के दूसरे के बाप को बाप कहते रहोगे तो कल आपको किसी ना किसी दिन अपमान सहना पड़ेगा। अगर हमारा जो कुछ है तो वो कल है, तो आज रात में नूरपुर में जहां आप रहते हैं, रात को 6-7, 7:30 बजे ऐसा जगमग कर देना अपने घरों को कि हर आदमी को पता लग जाए कि कल सतगुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पर्व है, कल उनकी जयंती है और उनके औलादे उनके इतिहास को बचाने के लिए जिंदा है। आप मेरी ये बात याद रखना, सतगुरु जी ने कहा पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत, और रविदास दास पराधीन से कौन करे उसे प्रीत। अगर आप अपने आप को दास समझोगे, गुलाम समझोगे, आपसे कोई भाईचारा नहीं करेगा। आप अपने इतिहास को जानो, देश की आजादी में भी आपका योगदान है। मैं अपनी आखिरी वाणी को कह के एक संदेश के रूप में आपसे विदाई लूंगा कि एक बार ऐसे ही सभा स्थल पे सतगुरु रविदास जी महाराज ने से पूछा गया कि सतगुरु जी सुख शांति का जीवन जीने का क्या रास्ता है, तो बहुत अच्छी बात सतगुरु जी ने कहा। सतगुरु जी ने कहा, रविदास मानुष करी बसन को, सुकर है दो इठाओ, एक सो स्वराज माही दूसर मरगट गाओ। सतगुरु जी ने कहा सुख शांति का जीवन जीने के दो रास्ते, एक तो अपना राज हो या फिर शमशान घाट, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो राज का जब तक आपके हाथ में नहीं आएगा, आपकी संख्या कितनी हो आपको गुलामी सहनी पड़ेगी। इन गुलामी के वीडियो काटने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बहुत बधाई और आप सबके लिए मंगल कामनाएं और सतगुरु जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। उनको पूजने के साथ साथ उनको पढ़ा भी करो, जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।